और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता भाकला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता भाकला बना है रागी के द्वारा तैयार लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप लड्डू को बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा बनने वाला ये लड्डू झटपट बन के तैयार हो जाता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रागी बहुत ज़्यादा फायदा करती है, आप इसको अपने खाने में किसी भी रूप में शामिल कर सकते हैं। कटोरी के अंदर लगभग 100 ग्राम हमने रागी का आटा लिया है। कटोरी में देखा जाएगा तो ये पौना कटोरी आटा है। इसी आटे के द्वारा हम रागी का लड्डू बना के तैयार करेंगे। के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। आप इसको अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। बच्चों के ग्रोथ में भी रागी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और इस तरह इस आटे के द्वारा हम लड्डू को बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले इस आटे को हमने तैयार कर लेना है। इसके लिए इस आटे को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। कटोरी के अंदर हमने आटा रखा था, उसी कटोरी से पूरे माप को हमने लेना है। एक हम पैन ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने इसी कटोरी से एक कटोरी पानी को डाल देना। आटा हमने पौना कटोरी लिया है, पानी हमने एक कटोरी लेना है। पानी को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसके अंदर एक टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं। इस तरह से इसको हमने मिला दिया और मिलाने के बाद इस पैन को गैस पर रख देते हैं। एक प्लेट की सहायता से इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद देखिए इसके अंदर उबाल आ गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। रागी का आटा प्लेट के अंदर निकाल के रखा, पूरे आटे को इस पानी के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद से कलछी की सहायता से इसको अच्छी तरह से हमने मिला देना है। इस तरह से देखिए आटा तैयार हो गया है। अब एक प्लेट की सहायता से इस पूरे आटे को हमने ढक देना है लगभग 5 मिनट के लिए। अब ढक के रखे हुए 5 मिनट हो गया है। आटा थोड़ा सा फूल भी गया है और ये ठंडा भी हो गया। अब इस पूरे आटे को एक थाली के अंदर हमने निकाल लेना है। थाली के अंदर आटे को जब निकाल लेते हैं, अगर आपको लग रहा आटा गर्म है तो आप हल्का सा हाथों में पानी को लगाइए और इस आटे को अच्छी तरह से करीब 4 से 5 मिनट तक गूंथ के तैयार कर लीजिए। और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसको हमने साइड में रख देना। थोड़ा सा हमने सूखा आटा निकाल लेते हैं। आटे में से एक मीडियम साइज के हमने लोई निकाल ली है और इस आटे को पेड़े की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा लिया और जो आटा बचा हुआ उसको एक प्लेट की सहायता से हमने ढक देना, जिससे आटा ड्राई ना हो। एक बेलंग सहायता से इसको हमने रोटी बना के तैयार कर लेनी। बहुत ज़्यादा इसकी रोटी हमने पतली नहीं बनानी, थोड़ी सी मोटी बना के तैयार करेंगे। और इस तरह देखिए रोटी बन के तैयार होगी। गैस पे हमने पहले ही तवा रख दिया, तवा गर्म हो गया। इस रोटी को उठा के हमने तवे पे डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इस रोटी को हमने सेक के तैयार करना है। और इस तरह से देखिए एक तरफ से रोटी सेक गई है, इसको हमने पलट देना है। दूसरी तरफ से भी रोटी को सेक के तैयार कर लेते हैं। दोनों तरफ से हल्की हल्की रोटियां सेक गई हैं। अब एक कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इस तरह हल्का सा रोटी को दबाइए। इस तरह से रोटी अच्छी तरह से सेक जाती है। दोनों तरफ से जब रोटी सेक जाए तो आप इसको हटा लीजिए और दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल दीजिए। एक रोटी को बनाने में लगभग 3 मिनट का समय लगा है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए उतने आटे से 4 रोटियां बन के तैयार हो गई। अब इन रोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमने घी लगा देना है। और इस तरह देखिए चारों रोटी के ऊपर हमने घी लगा दिया। घी लगने के बाद रोटी बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है। अब इसको हमने छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लेना। देखिए पूरी रोटी के हमने छोटे टुकड़े तोड़ के तैयार कर लिए। अब एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने आधी रोटी टुकड़ी को इसके अंदर डाल देना है। एक ढक्कन लगा के इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। बहुत आसानी से पीस के तैयार हो जाती है। और इस तरह देखिए पीस के तैयार हो गई। अब इसको उसी प्लेट के अंदर हमने साइड में निकाल लेना है। बाकी बची हुई रोटी को भी इसी तरह से पीस के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए पूरी रोटी को हमने पीस के तैयार कर लिया। 4 रोटी के द्वारा इतना मिश्रण बन के तैयार हुआ है। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी। कढ़ाई के अंदर लगभग 1 से 2 टेबल स्पून हमने देसी घी डाल दिया। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर हमने तरबूजे का बीज डाल दिया। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने बीज को डाल दिया। बीज को डालने के बाद हम 4 रोटी के द्वारा लड्डू को बना के तैयार करेंगे। इसलिए इसके अंदर लगभग 4 टेबल स्पून हमने गुड़ का पाउडर उपयोग किया है। आप इसके अंदर अगर गुड़ नहीं तो चीनी के द्वारा ही बना के तैयार कर सकते हैं। आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो तो आप गुड़ को छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद इसके अंदर डाल दीजिए। घी के साथ गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। और इस तरह देखिए बन के तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है। और बंद करने के बाद पूरे रागी के जो हमने पीस के तैयार किया मिश्रण, पूरे मिश्रण को इसके अंदर डाल देते हैं। रागी का आटा गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसके अंदर डालना है। और इस तरह देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लिया। पूरे मिश्रण को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं।
अब इसको हमने हाथों के द्वारा अच्छी तरह से मिला लेना है जिससे लड्डू एक जैसा बन के तैयार हो। और इस तरह देखिए हमने मिला के तैयार कर लिया। जैसा छोटा बड़ा साइज आप पसंद करते हो उसी तरह के लड्डू बना के तैयार कर लिए। और इस तरह से लड्डू आप किसी भी डिब्बे के अंदर बना के रख दीजिए, बच्चे बड़े शौक से इसको खाना पसंद करेंगे। खा देते इसी तरह का लड्डू बन के तैयार हुआ है। पूरे लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। इस लड्डू को एक प्लेट के अंदर हमने निकाल के रख लिया, लेकिन इसकी गार्निशिंग के लिए हमने 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा लिया। इस लड्डू को हमने लेना है और लेने के बाद इसके नारियल के बुरादे पर हल्का सा डिप कर देते हैं। और डिप करने के बाद देखिए लड्डू तैयार हो गया। ऊपर से किसी ड्राई फ्रूट की कतरन को रख देते हैं। अगर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती, रेसिपी पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और मुझे कमेंट करके बताइए इस तरह आपने रागी का लड्डू बनाया तो आपको कैसा लगा। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते अपनी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कलम, बाय दोस्तों, टेक केयर।